क्रांतिवीर बाबूराव कुलेश्वर शर्मा की जयंती धूमधाम से मनाई गई। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में चंद्रपुर जिले का भी अमूल्य योगदान रहा है। अपने हक की आजादी के लिए चंद्रपुर के माटी पुत्रों ने अपने प्राण हंसते हुए न्यौछावर कर दिए और इतिहास में अमर हो गए। चंद्रपुर जिले के स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में अमर शहीद क्रांति सूर्य बाबूराव शेरमाके का बलिदान विशेष महत्वपूर्ण है। वे क्रांति की मशाल थे। वीर बाबूराव शेरमाके का जन्म मोलमपल्ली के श्रीमंत शेरमाके जमींदारी में 12 मार्च 1833 को हुआ। जिस पीपल के पेड़ पर वीर बाबूराव को फांसी दी गई, वो पेड़ आज भी चंद्रपुर जेल में ऐतिहासिक विरासत के रूप में खड़ा है। आज भी सारी जनता समाज पीपल के पेड़ के पास एक साथ आकर वीर बाबूराव को सम्मान पूर्व श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। वीर बाबूराव कुलेश्वर शेरमाके इनकी जयंती 12 मार्च बड़े ही धूमधाम से शहर में मनाई गई। इस दौरान भव्य रैली निकाली गई थी। रैली जेल परिसर में पहुंची। इस रैली में आदिवासी समाज बांधव बड़ी संख्या में शामिल हुए थे। इस दौरान क्रांति सूर्य बाबूराव कुलेश्वर शेरमाके इनकी प्रतिमा को पुष्पमाला अर्पण कर समाज बांधवों ने भावपूर्ण आदरांजलि दी। कायमस्वरूपी टिकून राहिली पाहिजे यासाठी आपल्या आदिवासी बांधवांनी सर्वांनी एकत्र येऊन मोठ्या उत्साहाने दरवर्षी आपली जे वीर बाबूराव शेरमाके यांची जयंती असेल, पुण्यतिथी असेल, चांगल्या तऱ्हेने उत्साहित करून करावं एवढी मी विनंती करते। 12 मार्च वीर बाबूराव कुलेश्वर शेरमाके यांची जयंती आहे। या जयंतीनिमित्त आम्ही सर्व आदिवासी बांधव या रॅलीला उपस्थित झाले। त्याबद्दल सर्व आदिवासी बांधवांचं आम्ही मनापासून